नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, शैक्षणिक स्वराज यूट्यूब चैनल वर आपले स्वागत आहे। आज आपण अभ्यासणार आहोत प्रथम सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका इयत्ता 7वी विषय हिंदी संपूर्ण मार्गदर्शन। प्रश्न पहिला अ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। एक दादी माँ सुबह उठकर क्या करती। दोन गाँव में काम करने के लिए मजदूर क्यों नहीं मिलते। तीन बंदर जंगल से क्या लाता है। चार एसंबा गांव के नाले की दोनों तरफ क्या था। पाँच फूल किसको अपना रस पिलाता है। प्रश्न पहला ब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही टिम्बटिम्ब है। उत्तर चांदनी। दो बिल्ली बोली मुझको आया 104 टिम्बटिम्ब। उत्तर बुखार। तीन सभी उड़ान मानक पूरे हुए। चार दामिनी के बातों ने बातचीत का डैश बदल दिया माहौल। पाँच चंद खिलौनों के खो जाने से डैश नहीं भरा करता। उत्तर बचपन। प्रश्न दूसरा अ किसने किससे कहा। एक आज एक अनुपस्थिति लग गई मेरी। दो हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है। तीन मैं ही दिखूँ सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। चार उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। पाँच आखिर चाहते हो कैसी एकता। प्रश्न तीन अ समानार्थ शब्द लिखो। एक पुष्प दो मेह। ब शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। एक दीवार दो वस्तुएं। क मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करो। एक दुखड़ा रोना। दो नीलाम होना बिक जाना। ड उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर लिखो। एक नम्र नम्रता। सत्य सत्यवादी। ई शब्दों की अंताक्षरी लिखो। तितली। दो उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। एक निखिल कश्मीर घूमने गया था। दो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। संज्ञा पहचानो और लिखो। एसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। दो नीलू दाना चुगने चली गई। प्रश्न चार निम्नलिखित शब्दों के आधार पर एक कहानी लिखो। शब्द पानी पुस्तक बिल्ली राखी। प्रश्न पाँच किसी एक विषय पर 10-12 वाक्य लिखो। एक मेरा गांव। दो यदि सूर्यप्रकाश न होता तो। और तीन सौर ऊर्जा। उत्तर यहाँ पर आपके लिए
यदि सूर्यप्रकाश न होता तो इस विषय पर पंक्तियाँ लिखी हैं। इसी तरह आप भी इनमें से किसी एक विषय पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। आपको मेरा चैनल उपयुक्त साबित होता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।